Priyanka Gandhi Vadra is addressing the press in Raebareli. She's at her election rally. Let's just listen. और उनको जरूर जिताएंगे। आपने खुद अनुभव किया है कि आपके सांसद आवास के लिए काम करें तो किस तरह का विकास आ सकता है, लेकिन ये चुनाव सिर्फ आपके क्षेत्र के लिए नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है, ये एक भर का चुनाव है। जितने भी संसदीय क्षेत्र है सब अपने सांसद चुनने जा रहे हैं और देश के लिए एक नई सरकार चुनने जा रही है। आपके सामने सारी राजनीतिक पार्टी आती है, बड़े बड़े प्रचार होते हैं, आप सुनते होंगे टीवी पे भी, कभी ABCD, कभी RSDC, कभी दल से देश तो कैसे कहूंगा, बल से बल भी तो नहीं है। आप किसी प्राथमिक पाठशाला को थोड़ी संबोधित कर रहे हैं, ये देश की जनता है, जनता में विवेक है, जनता के कण कण में वो राष्ट्र की भावना है जो मेरे आपके अहंकार से कहीं बड़ी है। जब आप जनता को संबोधित करते हैं तो जनता को ये बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं उसके लिए, क्योंकि जो समझ जो विवेक जनता में है वो और किसी में नहीं है, जनता सब समझती है। आपके गुजरात का मॉडल भी समझती है, जिसमें आपने कौड़ियों के दाम पे हजारों एकड़ जमीन अपने दोस्तों को दी। आपकी स्वच्छ राजनीति की समझती है, जिसके मिसाल कल आपके बगल में खड़े हुए उस जनता को हाथ दे रहे थे। सब समझती है जनता, जनता को अगर आप मजबूत बनाना चाहते हैं, आप शक्ति देना चाहते हैं, अगर आप सत्ता चाहते हैं तो उनको ये बताइए कि आपके मॉडल में किसानों का क्या वजूद है। आप ये बताइए कि मजदूरों की बीमारी इतनी कम क्यों है आपके मॉडल में। आप ये बताइए आपने महिलाओं के लिए क्या किया है। जब प्रचार करने निकलते हैं चाहे हमारी पार्टी के व्यक्ति हो चाहे दूसरे पार्टी के व्यक्ति हो, सबको ये समझना चाहिए, जनता की काम की बात करें, जनता को बताएं उनके लिए क्या करने जा रहे हैं और सिर्फ क्या करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे, और ये आपकी मांग होनी चाहिए उनसे। आप जागरूक बनिए, पूरी शक्ति आपके हाथों में है, पूरा विवेक आपका है। इस देश को मजबूत बनाना है तो सही तत्वों को अपनी शक्ति दो, सही निर्णय लो। जब 30 तारीख को आप वोट डालने जाएंगे, सिर्फ अपने लिए अपने क्षेत्र के लिए मत डालिए, अपने परिवार अपने भविष्य के लिए नहीं, पूरे देश के भविष्य के लिए डालिए। देश को मजबूत बनाइए, कांग्रेस को मजबूत बनाइए, जिसकी विचारधारा ने हमेशा इस देश की एकता और इस देश की उदारता को उसका आदर दिया। ये उम्मीद रखती हूँ मैं आपसे और मुझे पूरी आशा है कि आप भारी से भारी बहुमत से सोनिया जी को जिताएंगे, अपने देश के भविष्य को मजबूत बनाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।